ओम श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। अपनी निजी समस्या बाबा को बताने के पहले ही बाबा जवाब देते हैं और कह वो अपने दिल में मनोविचार क्या चल रहा है, अपने मनोव्यापार क्या हो रहा है, वो बाबा को पूरी तरह मालूम होता है और पहले से उनका वो उसका प्रश्न का जो उत्तर है वो भी उनके उनके पास तैयार रहता है। और अगर बाबा के आप हो, भले बाबा का नाम सुना हो ना सुना हो, आपकी उन पर श्रद्धा हो ना हो, बाबा अपने तक उनको खींचकर लाते ही है। कई सारे उदाहरण ऐसे हैं कि पहले कभी बाबा का नाम नहीं सुना लेकिन बाबा के परम भक्त बने। सौभाग्यवती लक्ष्मीबाई ठुसे, इन्होंने अपना अनुभव 1924-25 के जो साई लीला के अंक में है एक पत्रिका में लिखकर भेजा था। वो लिखती है, 1912 में मैं अपने पिताजी के घर में पूजा कर रही थी, पहले माले पर बैठी थी। तब तक मुझे साईं बाबा का नाम वगैरह कुछ भी पता नहीं था, उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन जब मैं वो पूजा पाठ, क्योंकि हमारा जो देवघर है वो पहले माले पे था, तो मैं पूजा करके उसके बाद आगे का वो जो बैठने की जगह है वहाँ जब बैठी, तो पहले माले से सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था और वो पेड़ में पेड़ के ऊपर बहुत ही तेजस्वी तेजोमान ऐसा एक बंदर बैठा हुआ था। वो बंदर एकदम नज़दीक आ गया, खिड़की पर बैठा और वहाँ अचानक गायब हो गया। उसी दिन रात को मुझे सपना आया, सपने में, क्योंकि मुझे श्री राम की भक्ति थी, मैं हमारा आराध्य देवत श्री राम प्रभु थे और इसकी वजह से श्री राम जी की और हनुमान जी की दोनों भी मूर्ति हमारी वो देवघर में रखी हुई थी, पूजा घर में रखी हुई थी। और वो हनुमान के स्वरूप जैसे मैं पूजा कर बाहर आई तो वो ये बंदर का वो जो घटना घटित हुई। ठीक उसी दिन रात को साईं बाबा शिरडी के मेरे सपने में आए और कहे मुझे कहने लगे कि तेरा राम शिरडी में है, तू जा वहाँ उनका दर्शन ले। अब उसके पहले मैंने बाबा को देखा नहीं था और लेकिन ये साईं बाबा है ऐसा मुझे अंदर इंट्यूशंस हो गया। मैंने अपने गुरु को पूछा, गुरु ने मुझे कैसा शिरडी जाना है वो भी बताया। मैं जब शिरडी गई तो मेरे सपने में आई हुई वो फकीर बाबा की जो स्वरूप था और बाबा का स्वरूप एक ही था। अब मेरे पास मेरी एक निजी समस्या थी तो 1913 से लेके बाबा के देहांत तक, देह त्याग तक, मैं हमेशा हर साल शिरडी जाती थी, ऐसा लक्ष्मीबाई लिखती है। 1917 में उनकी अपनी एक जमीन, वो जमीन के बारे में कुछ समस्याएं थी, वो समस्या बाद में बताएंगे, पहले ये घटना कैसे घटित हुई वो बताते हैं। वो जमीन के बारे में कुछ मसला हल नहीं हो रहा था और वो उसके बारे में बाबा को पूछना चाहिए लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो उन्होंने माधुरा देशपांडे को बोला, श्यामा जी को, जरा आप बाबा को पूछे ना मेरे वो खेती का क्या होने वाला है। तो बोले आप ही पूछ लीजिए, अपनी समस्या आपने पूछनी चाहिए। तो बोले मैं
वो जो द्वारका माई है, द्वारका माई के नीचे खड़ी थी। उधर ऊपर बापू साहब लोग अपने अन्ना चिंचनीकर बाबा के पैर दबा रहे थे। मैं बिल्कुल नज़दीक थी। इतने में बाबा बोल उठे, अन्ना अन्ना ने डुबा दिया, डुबो दिया, पूरा सांप डुबो दिया। लेकिन वो अपना ही है, उसकी उसकी क्या शिकायत करे। अब अन्ना चिंचनीकर को लगा कि मेरे बारे में बाबा कह रहे, तो अन्ना ने बापू साहब को पूछा, यार मैंने किसी को कुछ डुबाया नहीं, किसी का कुछ खाया नहीं, बाबा मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इतने में बाबा ने मुझे यानी लक्ष्मी बाई को ऊपर बुलाया, बोले आ बेटा बैठ। मुझे पैर दबाने को दिए, मेरे पीठ पर से हाथ रखा और बोले माई खाने दे गए उसको, अन्ना अपना ही है, हाँ तेरा अच्छा हो जाएगा, चिंता मत कर। अब वो समस्या ये थी, ये इनकी ये जो लक्ष्मीबाई है, इनके पिताजी ने, इनके ससुरे ने अपने निजी उधर निर्वाह के लिए जो कुछ जमीन दी थी, वो जमीन वो कसते थे और इसको देते नहीं थे, उसका अनाज पानी भी नहीं देते थे, घर में रखते भी नहीं थे, क्योंकि लक्ष्मीबाई की एक सौतेली माँ थी और उनकी दोनों में अनबन होती थी। और वो घर में या तो जमीन भी नहीं दे रहे, जमीन का कुछ वो जो जो उपज उसमें से अनाज निकलता था वो भी नहीं देते थे, और इनको घर में भी नहीं रखते थे। तो बाबा ने कहा, और उनका देखिए उनके पिताजी को, लक्ष्मीबाई ठुसे जी के पिताजी को अन्ना ही कहते थे। बाबा ने कहा माई जाने दे, अन्ना अपना ही है, खाने दे उसको, कब तक खाएगा, तेरा अच्छा हो जाएगा, तू चिंता मत कर। बाद में उनको वो जो मिडवाइफ यानी उस वक्त नर्स, आज की जो नर्सेस है ना, वो नर्सेस को मिडवाइफ कहते थे उस वक्त, उसकी नौकरी, उनको वो कोर्स पास हो गई, नौकरी लगी और अच्छा तरह उनका खाने पीने का मतलब उधर निर्वाह उनका होने लगा। तो वो खेती के बारे में इनके मन में जो बाबा को पूछना था, बाबा ने पहले ही बोल दिया, पूछा ही नहीं कुछ इन्होंने, उसके पहले ही लक्ष्मीबाई को बोल दिया कि कुछ उसकी तकरार मत कर, उसकी कोई कंप्लेन मत कर। हालांकि बाकी के लोग बोलते थे तेरी जमीन है, फरियाद कर ले, कोर्ट कचहरी कर, ले ले अपने जगह पर, पिताजी हुआ तो क्या हुआ, तेरी तुझ पर अन्याय कर रहा है। बाबा ने कहा नहीं मत कर, खाने दे, पीने दे उसको, जमीन तेरी कहीं नहीं जाएगी। सर्वांतरयामी बाबा, आपके मन के विचार सिर्फ इतना ही नहीं जानते तो उसका हल भी निकालते हैं, तेरा अच्छा होने वाला है, ये आशीर्वाद भी दिया और उसको आगे नौकरी पर भी लगाया और उसके जिंदगी भर के उसके अपने पेट पानी का पोसने पालन पोषण का उन्होंने एक जरिया भी बना दिया उनको। ऐसे हमारे कृपालु साईनाथ महाराज, बाबा के बन के रहो, बाबा आपको किसी तरह की किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, इसका जीता जागता ये उदाहरण है लक्ष्मीबाई ठुसे जी का। ओम साई राम।